औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कामयाबी एक रात में नहीं मिला करती, इसके लिए रातों को जागना पड़ता है। उस वक्त जागना पड़ता है जब ये दुनिया सो रही होती है, और उस वक्त सोना होता है जब ये दुनिया अपनी आधी नींद पूरी कर चुकी होती है। उस वक्त मैदानों में कदम रखना होते हैं जब मैदान सुनसान पड़े होते हैं, जब कोई खिलाड़ी नहीं होता। उस वक्त खून पसीना एक करना पड़ता है जब ये दुनिया आपकी मेहनत को देख नहीं रही होती। खुद अपने साथ मुखलिस रहकर अपना सब कुछ दांव पे लगाना होता है। रेगिस्तानों में दौड़ना पड़ता है, धूप का सामना करना पड़ता है। अगर आप दूसरों से मुनफरिद नजर आना चाहते हैं तो आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करना होगी, आपको दूसरों से ज्यादा हौसलों की जरूरत है। याद रखना, फिर एक वक्त आएगा जब आप बोल रहे होंगे तो ये दुनिया आपकी बातें सुन रही होगी, जब आप बोलेंगे तो ये दुनिया आपके हर अल्फाज को लिख रही होगी, क्योंकि उस वक्त आपके अल्फाज, आपके जज्बात, आपके अंदाज बहुत कीमती हो चुके होते हैं। सचिन तेंदुलकर ये कहते हैं कि मैं अपने नाश्ते से पहले 500 बॉल्स खेलता हूँ। नाश्ते से पहले जब दुनिया सो रही होती है, राउंड अबाउट 83 आवर्स नाश्ते से पहले वो खेलते हैं। और फिर वही सचिन तेंदुलकर जब मैदान में आता है तो सारी दुनिया उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लग जाती है। हर एक चाहता है कि सचिन तेंदुलकर के हाथ का ऑटोग्राफ मुझे मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसने वक्त के साथ खुद को इतना पीसा कि जब वो ग्रैंड हुआ तो उसका जो शीरा निकला वो बहुत ही कीमती था। मार्क ज़करबर्ग, इनसे एक बार एक एंकर ने सवाल पूछा कि आप तो बहुत मशहूर हो गए हैं, अरबपति बन गए हैं, फेसबुक के मिलियंस ऑफ यूजर हो गए हैं रातों रात में। तो उन्होंने कहा कि एक रात की स्टोरी नहीं है, इसके पीछे 10 साल लगे हैं, 10 साल, और उन 10 सालों में भी मैंने अपनी आधी से कम नींद पूरी की है। अब्राहम लिंकन, ये एक वकील के घर नौकर का काम करते थे और उधर से ही वकालत की किताबें पढ़ते थे और फिर ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। बिल गेट्स अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर सके। अब रॉय होटल में वेटर का काम करते थे। रजनीकांत बस में कंडक्टर थे। मैसी अपनी फुटबॉल फीस देने के लिए चाय सर्व करते थे। नासिर बट 8 साल साउथ अफ्रीका की सड़कों पर सोए। दोस्तों, ये मिसालें हमें बताती हैं कि जिंदगी वो नहीं है जो हमको मिलती है, जिंदगी वो है जिसे हम खुद बनाते हैं। शुक्रिया।